हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी यहाँ पर आए हैं। मैं उन्हें उनके उनके उनको प्राउड उन्होंने हमें प्राउड करवाया है कि प्राउड टू बी इंडियन। काफ़ी दूर से हम लोग ट्रेवल करके आए हैं स्पेशली हमारे प्राइम मिनिस्टर से मिलने के लिए। अगर हम इंडिया में रहते तो शायद मुश्किल होता शायद मोदी से इतना नज़दीक से देखने का और मिलने का, बट यहाँ एक अपॉर्चुनिटी है कि हम उनको बहुत पास से देखेंगे और हो सकता है अगर बात करने का मौका मिला तो बात करें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को यूक्रेन के दौरे पर पहुंच गए हैं। बता दें कि साल 2022 में रूस के साथ युद्ध शुरू होने के बाद से यह उनकी पहली यूक्रेन यात्रा है। यूक्रेन में पीएम मोदी का ठहराव लगभग 7 घंटे तक चलने की उम्मीद है और इसमें कड़ी सुरक्षा स्थितियों में 10 घंटे की ट्रेन यात्रा शामिल है। वहीं पीएम मोदी के यूक्रेन पहुंचने के बाद भारतीय नागरिकों में उत्साह देखा जा रहा है। आपका नाम क्या है और आप यहाँ क्या कर रहे हैं? मेरा नाम कासिम है, मैं मेडिकल का स्टूडेंट हूँ यहाँ पे 5th कोर्स में, और मैं आज यहाँ पे आया हूँ। ये हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी यहाँ पर आए हैं। मैं उन्हें उनके उनके उनको प्राउड उन्होंने हमें प्राउड करवाया है कि प्राउड टू बी इंडियन, एंड मैं और यहाँ एक्साइटेड हूँ बहुत देखने के लिए। और ये जो मीटिंग है आज की, जैसे हमारे नरेंद्र मोदी जी की जो फर्स्ट डे से हमारा एम जो था उनका वॉर को स्टॉप करवाना है, और मैं अगर मेरे चांस अभी मुझे मिला तो मैं इसी टॉपिक पे बात करूंगा अगर मुझे चांस मिला तो। यूक्रेन को आजाद हुए 30 साल से ज्यादा हो गए, कोई प्रधानमंत्री नहीं आया, एक बहुत बड़ा फैसला है प्रधानमंत्री मोदी का यूक्रेन आना, ये सोचने वाली बात है। इंडिया से पहले दफे मेरे होश में आज तक कोई नहीं सुना, मैंने नहीं कभी सुना था ना कभी मैंने जाना था। आने से पहले किसी को पता भी नहीं था यूक्रेन है, मगर हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी आज यहाँ पे आए हैं और ये स्टेप बहुत बड़ा रहा है। और पूरे वर्ल्ड में रिलेशन तो बहुत अच्छे ही हैं, अब यूक्रेन के साथ भी अच्छे हैं। तो यहाँ पे हमारी जो कम्युनिटी थी पहले इंडियन कम्युनिटी पे 18,000 कुछ बच्चे थे यहाँ पे, उस टाइम पे इन्होंने वाला मिशन गंगा मिशन चालू करके उस टाइम से हमारी मदद कर रहे हैं हमारी गवर्नमेंट। तो मैं थैंक यू सो मच बोलना चाहता हूँ। सर मेरा नाम आशु है और मैं भी जयपुर से आया हुआ हूँ। काफी दूर से हम लोग ट्रेवल करके आए हैं स्पेशली हमारे प्राइम मिनिस्टर से मिलने के लिए, और काफ़ी एक्साइटेड हम लोग इस चीज़ के लिए, क्योंकि अगर हम इंडिया में रहते तो शायद मुश्किल होता शायद मोदी से इतना नज़दीक से देखने का और मिलने का, बट यहाँ एक अपॉर्चुनिटी है कि हम उनको बहुत पास से देखेंगे और हो सकता है अगर बात करने का मौका मिला तो बात कर लेंगे। ये नहीं कह सकते क्या बात करें, क्योंकि वो अभी नर्वसनेस बहुत ज़्यादा होगा, अब अपने प्राइम मिनिस्टर से मिल रहे हैं, बट होपफुली देखेंगे उस टाइम क्या होता है कैसे, वो शायद वही बात करेंगे तो हम लोग उसके अकॉर्डिंग रिप्लाई कर देंगे।